श्री सिद्ध हनुमान धाम गायत्री सिद्धपीठ ट्रस्ट नया माजरा लाकड़ी फाजलपुर वार्ड नंबर 4 की ओर से श्री सिद्ध हनुमान धाम मंदिर माजरा पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक के रूप में मौजूद रही प्रसिद्ध कथावाचक सारस्वत परम गुरु मोहनदास जी की शिष्या साध्वी शिवानी द्वारा खूबसूरत अंदाज में भगवान श्री राम जी की लीला का वर्णन किया गया और अच्छे अच्छे उपदेश उनके द्वारा दिए गए। आपको बताते चलें कि श्री सिद्ध हनुमान धाम गायत्री सिद्धपीठ ट्रस्ट नया माजरा की ओर से समय समय पर मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रस्ट की ओर से 7 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक साध्वी शिवानी द्वारा 7 दिन तक लगातार मनमोहक तरीके से भगवान श्री राम के जीवन पर प्रकाश डाला गया, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण की लीला को भी अपने श्रीमुख से सुनाया गया। इस कथा प्रोग्राम में सैकड़ों की संख्या में मौजूद रही महिलाओं द्वारा भक्ति में लीन होकर भगवान श्री राम का गुणगान किया गया और कहा गया कि हमें बुरी आदतों से दूर होकर अच्छाई की तरफ जाना है और समाज को एक अच्छा संदेश देना है। हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक अच्छा इंसान बने और देश की तरक्की के लिए काम करे। कथावाचक साध्वी शिवानी ने अपने श्री मुख से भगवान की लीला का वर्णन करते हुए कहा कि जब भगवान की भक्ति अपने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर कथा का गुणगान करते हैं तो भगवान भी अपने उक्त भक्त का कल्याण करते हैं। हमें बुराई से बचना चाहिए। भगवान श्री राम ने हमें यही संदेश दिया है कि हम बुराई से बचें और अच्छाई की तरफ चलें। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही उपदेश दिया है कि हम बुराइयों से बचें और अच्छाइयों की तरफ चलें। भोलेनाथ हमेशा उसी की मदद करते हैं जो बुराई से बचता है और अच्छाई की तरफ चलता है। कथावाचक द्वारा बेहतरीन अंदाज में अच्छी अच्छी बातें भी बताई गई। तो ऐसे ब्राह्मणों को दान करो, ऐसे ब्राह्मणों को दान करो जो उसको बचा सके। और हमारे शास्त्र परम गुरुदेव ये भी कहते हैं कि दान का कभी खाना नहीं चाहिए। अरे दादी जी, आप क्या कह रहे हो कि दान का खाना भी चाहिए और दान का ना भी खाना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे इसलिए हो सकता है देवियों, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो दान का खाता है वो पाप खाता है। अब ये मत सोचना कि ब्राह्मण दान का खाते हैं तो पाप खाते हैं, नहीं, क्योंकि ब्राह्मण आपके पास आते हैं, आपको कुछ बताते हैं, आपका हवन कथा करते हैं, तो वो अपनी दक्षिणा ले रहे हैं। क्योंकि आप कहीं नौकरी करोगे तो अभी तो राशि भरी है नहीं, तो लेते हैं। पर ऐसे ही अगर आप किसी को दान दे रहे हो तो वो खाना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि खाकर आपके घर से जो दान निकलता है वो पाप के रूप में निकलता है। इसलिए मैं कहती हूँ अपने सबसे छोटे बच्चों के हाथ से जरूर दान कराया करो, ताकि उनका जीवन सब और बहुत अच्छा बन जाए। देखिए वे योग्यता ऐसी योग्यता पाए कि अपने घर के साथ साथ देवियों 10 या 1000 व्यक्तियों का पेट पाल सकते। हमारे गुरुदेव कहते हैं शिवानी दादी, आप कभी ऐसे मत बनना कि अपने पेट के लिए सोचो, आप ऐसे बनना कि 1000 व्यक्तियों का पेट कैसे भरे। तो वही मैं सोचती हूँ कि हम अपने गुरुकुलों में अपने मंदिर में नित्य भोजन कराएं 101 व्यक्ति का, ज्यादा नहीं तो 101 व्यक्ति का। इसीलिए देवियों ये जो दान आता है ना उसी में लगता है, नित्य तो नहीं करा पाते क्योंकि इतने अभी इतना बड़ा गुरुकुल नहीं है, अभी किराए पे ही चल रहा है। महाराज गए थे वहां पर, जानते हैं, देखा भी है, हमें छोड़ने गए थे। तो पर जब अपनी भूमि पर होगा या ऐसी योग्यता होगी तो हम कराएंगे, इसमें कौन कौन साथ देगा हमारा। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष नरेश चंद्र, सत्यपाल सिंह चौहान और राजेश चौहान, कृष्णा, ओम शर्मा, मनु भारद्वाज, अवनीश चौहान, पारुल शर्मा, विनीश शर्मा, कपिल देव, रजनी चौहान, अमन शर्मा, अभिनव शर्मा सहित समस्त क्षेत्रवासी एवं धर्म प्रेमी मौजूद रहे।